हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है सब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए और पर्टिकुलरली नए इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने नया नया इन्वेस्टर ट्रेड करना शुरू किया है और शायद काफ़ी नुकसान भी उनको हुआ है आज हम इन सब कारणों पर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का ट्रेड करने का सही तरीका क्या है और क्या वो आम गलतियाँ हैं जो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर करता है उसको पूरी कैपिटल लॉस हो जाती है दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें दोस्तों मैंने अपने चैनल्स में काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स ऑफ मार्केट की और फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर जो नए इन्वेस्टर्स को और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को जरूर देखनी चाहिए आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें उनके डिस्क्रिप्शन मैंने आई लिंक में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं बेसिक्स क्या है क्या क्या चीजें बेसिकली आपको देखनी होती है किसी भी शेयर और ट्रेड को लेने से पहले दोस्तों दिग्गज इन्वेस्टर वॉरन बफेट ने कहा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ द मोर यू लर्न द मोर यू वी लर्न तो दोस्तों बिना सीखे स्पेकुलेशन पर फर्जी टिप्स पर जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस होता है और आज हम इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों शेयर मार्केट में हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा रिटर्न मार्केट में लोगों को कमा के दिया है आपने बड़ी ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी कि नाइन्टीज़ में या दस साल पहले हमने किसी स्टॉक में पैसा लगाया वो आज दस गुना बीस गुना पचास गुना हो गया पर सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को सिर्फ शेयर मार्केट में ही हुआ है और ऐसा एक बोला जाता है कि शेयर मार्केट में 70 से 80 परसेंट लोगों को सिर्फ नुकसान हुआ है दोस्तों उन सब चीज़ों के क्या कारण हैं सबसे पहला कारण दोस्तों शेयर मार्केट में जो भी बंदा आता है जो भी इन्वेस्टर और ट्रेडर आता है वो रातों रात अमीर बनना चाहता है उसको ये लगता है कि मार्केट एक ऐसा जरिया है जो एक दिन में ही उसको सारा रिटर्न कमा के दे देगा वो इंसान सात से आठ परसेंट के लिए एफडी में आठ साल दस साल इन्वेस्टेड रहता है और स्टॉक मार्केट में चाहता है कि वो रिटर्न उसको एक दिन एक घंटे या एक हफ्ते में मिल जाए तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच कर आते हैं तो मार्केट आपके लिए नहीं है आपको सिर्फ कैपिटल लॉस होगा दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर से मैं मिलता हूँ बात करता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रैप हुए हैं कहीं पर वो फेक एडवाइस और टिप्स में ट्रे ट्रैक हुए हैं किसी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक पोस्ट पे कहीं भी वो देख लेते हैं फ़र्जी लोगों से पेड सर्विसेज ले लेते हैं उनमें ट्रैप हो जाते हैं और उनकी सारी कैपिटल इरोड हो जाती है उन टिप्स के बेस पर वो बिना कोई रिसर्च करे बिना कुछ देखे सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं ट्रेड कर लेते हैं और पूरी कैपिटल को इरोड कर लेते हैं उनके पास दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले कोई क्लियर गोल नहीं होता कि उन्होंने कि क्यों ये ट्रेड लिया है क्या उनके टारगेट्स हैं सिर्फ दूसरों की फर्जी टिप्स पे और एडवाइस पे वो ट्रेड करने लग जाते हैं और सारी कैपिटल लॉस हो जाती है दोस्तों काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो नए हैं मार्केट में या जिन्हें कुछ टाइम हुआ है कम नॉलेज है मार्केट की वो सिर्फ स्पेकुलेशन में किसी भी स्टॉक को या ट्रेड को ले लेते हैं और उन्हें उसका लेवल ऑफ रिस्क नहीं पता है क्या है अपनी रिस्क एपेटाइट भी नहीं पता है और सबसे ज़्यादा दोस्तों वो तब ट्रैप होते हैं जब किसी पर्टिकुलर ट्रेड उन्होंने स्पेकुलेशन पे लिया और वो सही हो गया तो उन्हें लगता है नाउ स्काईज़ द लिमिट अब मैं अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रातों रात करोड़पति हो जाऊँगा और फिर उनकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाती है दोस्तों काफी बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप चलाने वाले एक आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर और ट्रेडर को पास ऑन कर देते हैं जो इन है और मार्केट में उसका जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है और उसके बेसिस पे नए इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर जिनको कम नॉलेज है वो ट्रैप हो जाते हैं एक और सबसे बड़ा इशू है दोस्तों कि सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश करते हैं जैसे ही मार्केट में पता लगा कोई स्टॉक 80, 85, 90 टूट गया है पाँच सौ रुपये का था पचास रुपये आ गया है तो होड़ मच जाती है मैं तो ऐसे इन्वेस्टर्स को भी जानता हूँ जो नया डीमेट अकाउंट खुलवा के सिर्फ उस शेयर को खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाया है और दोस्तों अपने रिस्क एपेटाइट को जाने बिना उस शेयर के फंडामेंटल्स को जाने बिना कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर शेयर किसी एक सेक्टर में लगा देते हैं या तो वो टूट गया इसलिए या किसी फर्जी टिप्स पे या किसी एडवाइस पे और फिर कैपिटल उनकी इरोड हो जाती है कुछ परसेंट केसेस में होता होगा कि शेयर बढ़ गया वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो फिर टूट गया या प्रॉफिट बुक करके फिर किसी और फर्जी टिप्स में लगा दिया और पैसा डूब गया दोस्तों एक नॉलेज ना होने की वजह से और सिर्फ टिप्स पे काम करने का एक बहुत बड़ा लॉस एक और भी है कि इस्पेकुलेशन में प्रिडिक्शन करके इन्वेस्टर और ट्रेडर लॉस को तो होल्ड करता रहता है कि नहीं ये जो है बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा और प्रॉफिट जब होता है तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है थोड़ा सा भी उसका स्टॉक बढ़ेगा वो प्रॉफिट को बुक कर लेगा तो अल्टीमेटली ना उसको प्रॉफिट का गेन मिलेगा जो थोड़ा बहुत उसने कमाया है वो किसी अगले ट्रेड में अगले इन्वेस्टमेंट में उसका चला जाता है तो दोस्तों मार्केट में आप जब भी कभी आए तो सबसे पहले सीख लें मार्केट कहीं नहीं जा रही है मार्केट दोस्तों यही है यही रहेगी आप सीखें उसके बाद इन्वेस्ट करें अपने रिस्क एपेटाइट को जाने आपके पास सौ रुपये अगर हैं तो आप उसमें से बीस रुपये तीस रुपये मार्केट में लगाएं मतलब अपने कैपिटल का दस बीस तीस परसेंट इन्वेस्ट करें उसको डाइवर्सीफाइड करें आपके पास हैं ही सौ रुपये आप पूरा मार्केट में डाल देते हो वो डूब जाता है फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है और दोस्तों कुछ बेसिक रिसर्च एट लीस्ट मार्केट में आने से पहले आपको करनी चाहिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए थैंक यू